आज हम आपको एक ऐसी विवाह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। रांची के गांव रक्सी से एक अजीबोगरीब विवाह करने का मामला सामने आया है। वहां पर एक भतीजे ने अपनी ही मौसी से शादी कर ली। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो ये खबर सुनकर आपको एक बार तो झटका लगेगा और अगले ही पल इस विवाह के बारे में सुनकर हंसी भी आएगी। इस अजीबोगरीब विवाह के बाद से परिवार में स्थिति ऐसी हो गई है कि अब बेटा बाप का साड़ू बन गया है और लड़के की माँ जो कि बहन हुआ करती थी वही बहन अब सास बन गई है। है ना ये बड़े ही विचित्र रिश्तों का तालमेल। आपको बता दें कि पिछले एक साल से भतीजे सोनू राणा का अपनी मौसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे ही इस शादी के बारे में सोनू के परिवार वालों और गाँव वालों को पता चली उन्होंने इस विवाह का विरोध करना शुरू कर दिया। वहाँ से किसी तरह भागकर दोनों किसी शुभचिंतक के यहाँ जा छुपे। किसी तरह रात बिताने के बाद दोनों ने सदर थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार वालों और गांव वालों ने शादी को मानने से इनकार कर दिया। इस विवाह को लेकर लड़के की माँ ने क्या कुछ बताया वह भी आप जरा ध्यान से सुनिए। आप सोनू के कौन हो गयी? मम्मी। सोनू के मम्मी। अच्छा ये बताइए कि सोनी जो है लड़की जिससे आपका बेटा शादी किया है वो कौन लगती है रिश्ता में? है? आपकी बहन है। मैंने उसका लड़का को कौन लगी? मौसी। दोनों शादी कर लिया है तो मतलब अब वो लोग को बहू के रूप में आप स्वीकार कीजिएगा? शादी कर करके दोनों आ रहा है तो उसको आप कैसे रखिएगा? बहन को अपना पुतोह बनाइएगा? नहीं सोनू का मम्मी, अरे अपना बहन है।